दोस्तों अफगानिस्तान की टीम को 8 विकेट के बड़े अंतर से हराने के बाद भारतीय टीम पहुंच गया सीधा वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में। आखिरकार ये चमत्कार कैसे हुआ, भारतीय टीम केवल 2 मैच जीतकर फाइनल में कैसे पहुंच गई? तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, भारतीय टीम ने अपना पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से 6 विकेट के बड़े अंतर से जीत लिया था, जबकि दूसरा मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ खेला गया, जिसमें अफगानिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 272 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए। 8 विकेट खोने के बाद अफगानिस्तान की ओर से हसमतुल्ला शहीदे ने 80 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल डाली, जबकि अजमतुल्ला उमर जी ने 62 रनों का योगदान दिया। भारतीय टीम की ओर से सबसे ज्यादा विकेट जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट चटकाए, मगर हार्दिक पांड्या ने भी 2 विकेट उड़ा दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम जब मैदान पर आई तो कप्तान रोहित शर्मा 131 रनों की खतरनाक और विस्फोटक पारी खेली, जबकि विराट कोहली ने 55 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, तो वही ईशान किशन 47 रनों का योगदान दिया। और इस तरीके से भारतीय टीम ने 8 विकेट के बड़े अंतर से जीतकर अफगानिस्तान की टीम को उसकी औकात याद दिला दी। वैसे दोस्तों भारतीय टीम को वर्ल्ड कप 2023 में 9 मुकाबला खेलना है, जिसमें से भारतीय टीम अगर 6 मुकाबला भी जीत जाता है तो पक्का 2023 में फाइनल तक पहुँच सकता है।